हेलो गाइस, मेरा नाम इब्राहिम और आप देख रहे हैं क्लैश भाषा। हमारा नया नवेला गेम राइडर 6, इसके आज हम बेसिक सेटिंग देखेंगे और बिना टाइम वेस्ट करे के चलते हैं सेटिंग में। और यहाँ पर जो मैंने सेटिंग अप्लाई की है वो यहाँ है आपके सामने। बेसिक सेटिंग में गाइस सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप जायरो प्लेयर हो तो जायरो ऑन कीजिए। मैं जायरो प्लेयर हो तो जायरो ऑन करूँगा और उसके बाद मेरा जो लीन शूटिंग फंक्शन होता है उसे भी मैं ऑन करके रखूँगा। लीन मोड में मैं यहाँ पर होल्ड पे रखूँगा। अगर आप पबजी प्लेयर हो तो गाइज इस सेटिंग को जल्दी समझ जाओगे। और यहाँ पर मैं लीन मोड को ऑन करता हूँ और इसे लीन मोड को होल्ड पे रखता हूँ। और मेरा ये जो ADS, हाँ ये ADS वाले को ऑफ करके रखना है गाइस। और अब आ जाते हैं हम फंक्शन सेटिंग में। और यहाँ पर जो ऑटो ओपन डोर है उसे ऑन रखना है। और उसके बाद जो आएगा यहाँ पर वाइल्ड मार्कर, इसको भी ऑन करके रखना है। और उसके नीचे जो आएगा एम असिस्ट, इसको भी ऑन करके रखना है गाइस, इससे एम सही जाएगा। और अब हम आते हैं हमारी ग्राफिक सेटिंग में। तो गाइस इसमें ऑप्शन आप बहुत सारे देख सकते हो। इसमें HDR और HD और बैलेंस और स्मूथ का ऑप्शन दिया गया है। और नीचे जो ग्राफिक्स स्टाइल है उसमें स्टैंडर्ड और कलरफुल और दूसरे भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बिना कोई झंझट के स्मूथ और कलरफुल रखते हैं, जिस तरह हम पबजी में यूज़ करते थे। स्मूथ और कलरफुल में गाइस आपका गेम स्मूथ चलेगा बिना लैग के। वैसे भी इसमें लैग मैंने देखा नहीं है। इसके बाद हम आएंगे ग्राफिक के नीचे रेजोल्यूशन सेटिंग में। यहाँ पर 720p है तो हमें 1080p पर रखना चाहिए। और उसके बाद जो फ्रेम रेट है उसको हाई पर रखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे एंटी एनालाइजिंग सेटिंग, इसको हमें लो पर रखना है ताकि गेम लैग ना हो। इसके बाद आएंगे हम शेडो पे। शेडो हमको लो पे रखना है गाइस, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आएंगे हम, ये क्या लिखा है, वेजिटेशन, तो इसको समझने के लिए देर लगेगी, इसे हम मीडियम पे छोड़ देते हैं। इसके बाद देखेंगे गाइस हम इसके कंट्रोल में। तो यहाँ पर आप 3 फिंगर अगर हो, 4 फिंगर हो या 2 फिंगर हो, आप यहाँ पर जाकर अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हो और लेआउट बदल सकते हो। और इसके बाद देखेंगे हम व्हीकल की सेटिंग, और इसमें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर है कुछ सेंसिविटी, इसके बारे में हम आप बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बेसिक सेटिंग को जान लेंगे कि इस तरह से वो बेसिक सेटिंग है। और यहाँ पर जो म्यूज़िक इफ़ेक्ट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर कंट्रोलर जो मैं बात कर रहा था आपको, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप 2 फिंगर हो तो यहाँ से आप कोई भी लेआउट को अपने तरीके से बना सकते हो और अपने तरीके से सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेव इजीली हो जाएगा। तो ये थी सारी बेसिक सेटिंग इस गेम की। गाइस एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और मुझे वीडियो मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और लाइक भी कर सकते हो, कमेंट के ज़रिए मुझे कुछ बता सकते हो। तो वीडियो तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ एक बात, अगर आपको कोई सेटिंग नहीं समझ में आ रही हो या स्पीड से मैंने कुछ बोल दिया हो तो इसे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।